नमस्ते विद्यार्थियों, परिसर अध्ययन भाग एक में आज हम घटक चार पर्यावरण का संतुलन भाग दो का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला यानी आपने देखा होगा पृथ्वी में अनेक सजीव है, ठीक है, कुछ कीटक है, कुछ सूक्ष्म जीव है। तो ये जो प्राणी होते हैं तो इनका जो आहार होता है वो किस प्रकार, हमने अभी पहले भाग में बहुत सारे क्या देखे थे, सजीव के चित्र देखे थे। तो ये और आपस में हमने कहा था आपको कि आपस में पहचानना है ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, संबंध रखते हैं। तो हम अब देखेंगे कि ये किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी एक सामने चित्र रहा है, ठीक है, यहाँ पे तीन चित्र दिख रहे हैं, आपकी पुस्तक में चार चित्र है। आपकी पुस्तक का मैं पहले बताऊंगी कि पहले एक वनस्पति दिया है, ठीक है, इसमें यहाँ पर भी वनस्पति है, पुस्तक में भी वनस्पति है। फिर यहाँ पे एक क्या दिया है आपको पता है, ये कौन है, ये टिड्डा, ठीक है। लेकिन पुस्तक में आपको एक इल्ली का जो चित्र दिया गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर ये क्या है, पक्षी। तो ऐसे जो चार चित्र दिए हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ी है, वो कैसे, देखो आपने। अब जैसे ये जो चित्र दिख रहा है इसका मैं आपको श्रृंखला बताती हूँ। आहार यानी भोजन, श्रृंखला यानी एक चेन, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ना। अब ये जैसे वनस्पति है, अब देख लो आपने ये वनस्पति किससे जुड़ी है, सूर्य प्रकाश से, दिख रही है, ये सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य प्रकाश ये जो वनस्पति है अब वृद्धि करती है और जीवन जीती है। ये सूर्य प्रकाश के कारण वह क्या करती है, इसकी जो पत्तियों में हरित लवक होते हैं वो भोजन बनाते हैं और ये भोजन से फिर इनका विकास होता है, वृद्धि होती है। यानी इनका जो वृद्धि के लिए, भोजन के लिए इन्हें सूर्य प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही पर्णहरिण की सहायता से अपना भोजन निर्मित करती है, ठीक है। अब इन वनस्पतियों को कौन खाता है, इन बारीक बारीक कीटक लगे होते हैं जो वनस्पतियों को खाते हैं, यानी इल्लियाँ लगी होती है, ठीक है। इन इल्लियों को खाने के लिए कौन आते हैं, टिड्डा। ये क्या करता है, कोमल कोमल पत्तियों को खाता है, इनके कीटक जो होते हैं इल्लियों को ये खाता है। और उसके बाद इनको कौन खाते हैं, ये पक्षी इनको खाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो ये बड़े नहीं होंगे, अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ये पक्षी क्या खाएंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, और ये नहीं होंगे तो इनका पेट को ऐसा भरेगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इनमें से एक भी अगर नष्ट हो जाए, अगर समझ लो टिड्डा नष्ट हुए, तो ये दोनों तो रहेंगे लेकिन ये भूख के कारण क्या हो जाएगा, इनको खाने नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप नष्ट होते जाएंगे। यानी कि जो खाने की जो चैन है वो जुड़ी हुई है, इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। देखिए बरा दिख रहा है, ये श्रृंखला दिख रही है आपको, इस श्रृंखला में कई कड़िया है, दिख रहा है ना, एक दूसरे से जुड़ी है। इसकी कड़िया अलग अलग हो जाए, अगर ये देखो ये एक चैन बनी है, अगर इसकी जो कड़िया है जैसे एक कड़ी अलग अलग हो जाए तो हम इसे श्रृंखला कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़ी है तो हम इसको श्रृंखला कहते हैं, लेकिन इसको अलग अलग करें तो श्रृंखला नहीं कहेंगे हम, ठीक है। प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जुड़ी गई है, ठीक है, ये पूरा ऐसा गोल है लेकिन फिर भी वो इधर से और इधर से जुड़ी गई है जिसके कारण एक श्रृंखला बनी हुई है। प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जुड़ी गई है, और बीच का कोई भी अगर एक कड़ी निकाल दी गई, ठीक है, अभी देखो ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है, और ये कैसे जुड़ी है, कड़ियों से जुड़ी हुई है। अगर इसमें से एक भी कड़ी बाहर निकाल दी जाए तो ये श्रृंखला क्या हो जाएंगी, खंडित हो जाएंगी, टूट जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, पूर्ण नहीं हो पाएंगी। उसी प्रकार हमारी ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है,
प्रारंभ में जो दिए गए चित्र में वनस्पति, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक एक निश्चित क्रम में आते हैं। प्रत्येक घटक अपने अपने आगे वाले घटक का भोजन होता है। ये अपने भोजन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते कि यह एक श्रृंखला के घटक है। ठीक है, ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उसका प्रत्येक घटक आहार श्रृंखला की एक कड़ी है। ठीक है, जिस प्रकार आपने वो श्रृंखला की कड़ियाँ देखे, उसी प्रकार ये भोजन के घटक कड़ी का रूप है। अगर उसमें से एक भी अगर टूट जाएगा तो श्रृंखला खंडित हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हिरन। हिरन क्या खाते हैं आपको मालूम है? शाकाहारी पत्तियाँ। ये शाकाहारी होते हैं। ये पत्तियाँ वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार की खाते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। अतः ये अपने भोजन के लिए वनस्पतियों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी वनस्पति किससे कैसी बड़ी हो रही है? सूर्य प्रकाश के कारण। और ये बड़ी होने के बाद इसको भोजन ग्रहण कर रहा है हिरन। अब बताओ हिरन को कौन करता है, कौन शिकार करता है? बाघ। ठीक है, यानी इस प्रकार की श्रृंखला है। अगर वनस्पतियां नहीं रही तो हिरन नहीं, और हिरन नहीं रहे तो फिर बाघ नहीं। तो इस प्रकार ये तीनों की आहार श्रृंखला जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे नीचे दिए गए चित्र में एक आहार श्रृंखला दिखाई गई है। इसकी एक कड़ी तुम्हें पहचाननी है। अब देखो कि पहली और तीसरी कड़ी के स्थान पर कौन से चित्र है, उनका आपस में संबंध पहचानो और श्रृंखला पूर्ण करो। ठीक है, एक कृति करनी है आपको। इसमें आपको चित्र का निरीक्षण करना है। ठीक है, और चित्र का निरीक्षण करने के बाद आपने देखा होगा बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक कड़ी गायब है, तो हमको इस कड़ी पे पहचान के बताना है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है? सूर्य। सूर्य के बाद क्या दिया है? वनस्पति। ठीक है, फिर वनस्पतियों में क्या दिख रहा है आपको, जल्दी देखिए, आप ऑब्जर्व करें, निरीक्षण कीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियां, और पत्तियों में कीटक दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं? अब ये तीन चित्र दिख लिए, फिर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? उल्लू दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आप बताओ उल्लू, और जो इल्ली दिख रही है उसको हम सुंडी भी बोलते हैं। आप बताओ बीच में कौन सा सजीव प्राणी होगा? तो शायद गौरैया हो सकता है। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों में बैठती है और फलों के साथ साथ इन सुंडियों को भी अपना सेवन करती है, और इनको कौन खाता है फिर? उल्लू। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला पूर्ण होती है, यानी बीच में आएगा गौरैया। ठीक है, तो ये पक्षी है गौरैया, इनको भोजन करता है उल्लू। इस प्रकार ये श्रृंखला तैयार होती है। प्रकृति में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है, उनमें से कोई भी एक कड़ी प्रकृति में अगर लुप्त हो जाए, यानी नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेंगी? अब देखो यहाँ पर एक आहार श्रृंखला है, सूर्य है, वनस्पतियाँ है। वनस्पतियों को कौन खाता है? खरगोश। और खरगोश को कौन करता है? ये सांप। देखो ये खाद्य श्रृंखला है, उसी प्रकार इसमें से एक खाद्य श्रृंखला लुप्त हो जाए, जैसे अगर ये लुप्त हो गया तो ये भूखे रह जाएंगे। और सांप अगर रह गए तो सांप आपको मालूम है खेतों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सांप किसान का मित्र होता है, क्योंकि यह किसान क्या करता है, चूहों को अपना आहार करता है, नष्ट करता है ये। तो इस प्रकार ये तीनों एक संबंधित होते हैं, इनमें से एक भी श्रृंखला नष्ट हो जाए तो क्या हो, श्रृंखला टूट जाएंगी। ठीक है, और
कि जो जीवन है इनका, कोई भी इनका क्या हो सकता है, जीवन नष्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आहार चार। नीचे दिए गए चित्र में प्रकृति में पाई जाने वाली कुछ और आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई है, उन्हें समझेंगे। ठीक है, अब जैसे चूहा तथा सुंडी किस आहार श्रृंखला के घटक है वो ढूंढो। आपको मालूम है ये सुंडी क्या करती है, वनस्पतियाँ खाती है, और ठीक है ना, और चूहा क्या करता है, ये भी इन कीटकों को खाता है। एक अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का घटक हो सकती है। ठीक है, कि ये जो चूहा है ये अलग अलग आहार श्रृंखला में समावेश हो सकता है, इसलिए प्रकृति का ये आहार जाल हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही सजीव है, ये अलग अलग आहार श्रृंखला में इसका समावेश हो सकता है। आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन और वनस्पतियाँ। प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। जितने भी धरती पे सजीव है इनको अपना भोजन उनके पर्यावरण में ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में जितने सजीव घटक है उसमें अधिक जो सजीव है वो क्या करते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं। अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं, लेकिन अब जो वनस्पतियाँ नहीं खाते तो वो किनको खाते हैं, जो वनस्पति खाते हैं, जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको अपना भोजन का शिकार करते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन खाद्य तैयार करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ ही है। समझ में आया, जितने भी सजीव हमारे धरती पे है उनका मुख्य स्रोत कौन है, वनस्पतियाँ। और ये वनस्पतियाँ किस प्रकार तैयार होती है अपना भोजन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपने पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन निर्मित करती है और अपनी वृद्धि करती है। और कुछ जो शाकाहारी प्राणी हैं इन वनस्पतियों को क्या करते हैं, अपने आहार के रूप में लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। और जो वनस्पतियां नहीं खाते, जो मांसाहारी प्राणी हैं, इन्हीं वनस्पतियों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब है कि आहार श्रृंखला का जो प्रमुख घटक है वो कौन है, वनस्पतियां। समझ में आया आप सबको, यानी वनस्पति बहुत ही आवश्यक है सजीवों के लिए। अब देखा आपने किस प्रकार भोजन निर्मित करती है, यहाँ पे चित्र द्वारा दिया गया, ये वनस्पति है, ये जड़ है हमने पढ़े थे, ये तना है, ये पत्तियाँ है। ठीक है, अब ये धरती से ये जड़ें क्या शोषित करती है, पानी शोषित करती है। ये पत्तियाँ है, पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरिम होता है। जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियाँ क्या लेती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और पर्णहरिम यहाँ से पानी और यहाँ से सूर्य प्रकाश शोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। इस प्रकार ये अपना भोजन निर्मित करती है। चलो अब हम देखेंगे किस प्रकार ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये जो घटक है, ये जो सजीव है, किस प्रकार किसके किसके खाद्य श्रृंखला में इनका समावेश होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले का जो चित्र है ये है लोमड़ी, दिख रहा है आपको सबको, लोमड़ी दिख रहा है। अब हम उसका एरो मार्क देखेंगे, लोमड़ी किसको किसको खाती है, ये देखो खरगोश, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर हिरण, यानी ये जो लोमड़ी है ये हिरण को खाती है। हिरण किसको, वनस्पति को। ठीक है, ये देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, ये जो वनस्पति है इसको कौन खाता है, हिरण और लोमड़ी, क्योंकि ये एक खाद्य श्रृंखला
और एक दूसरी खाद्य श्रृंखला। ये वनस्पति है इसमें क्या है, सुंडी लगी होती है। सुंडी को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डी को कौन खाते हैं, चूहे खाते हैं। चूहे को कौन खाते हैं, सांप खाते हैं। और सांप को कौन खाती है, चील खाती है। देखिए इस प्रकार की ये खाद्य श्रृंखला बन गई। ठीक है, और एक खाद्य श्रृंखला, ये वनस्पति है इनको कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डे को कौन खाती है, गौरैया। ठीक है, गौरैया को कौन खाते हैं, ठीक है, ये देखो कीटक, ये देखो कीटक है, कीटक को गौरैया। उसी प्रकार ये वनस्पतियां है इनको खरगोश सेवन करता है, इनको कौन खाता है, चील खाता है, बाघ खाते हैं। उसी प्रकार ये वनस्पति है, फिर ये टिड्डे है, टिड्डे को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं। उसी प्रकार ये फल है, फल को गिलहरी खा रही है, गिलहरी को चील खा रहा है। देखो फिर ये चूहे, चूहे को सांप। देखो इस प्रकार ये जो एक वस्तु है खादिकला में इनका समावेश होता है। इस प्रकार इस श्रृंखला में से एक भी घटक अगर निकल गया तो क्या हो गई है, खाद्य श्रृंखला खंडित हो जाती है। दिख रहा आपको, चलो। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं द्वारा तैयार होने वाले खाद्य जाल, ठीक है, ऊर्जा भक्ष्य की ओर से भक्षक की ओर जाती है। ऊर्जा भक्ष्य की ओर से भक्षक की ओर जाती है। ठीक है, ऐसा भक्षक आखिरी ऐसे प्रकार से खाद्य श्रृंखला तैयार हुई है। ठीक है, इसमें से हम शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी भी हम पहचान सकते हैं, कौन से प्राणी सर्वाहारी है यह भी पहचान सकते हैं। ठीक है, प्राणियों के नाम मालूम है आपको, ये है लोमड़ी, ये सिंह है, ये गौरैया है, ये खरगोश है, ये चील है, ये सांप है, ये गिलहरी है, ये मेंढक है, ये टिड्डा है, ये सुनहिरन है, ये घास है, ये वनस्पति है, ठीक है, और ये चूहा है, और ये सांप है। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।